नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई दूसरा काम नहीं करने का सिवाय कोविड के अलावा, तो ऐसी महामारी में हम ये सब काफी तक ये सब मुद्दे पीछे रह गए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी दिक्कतें लोग छोड़ के कोविड से लड़ रहे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर टोरेंट अपनी बदमाशी से सुधरा नहीं और अगर लोगों को सुविधा नहीं दी और सही बिल नहीं दिया तो जरूर और जरूर मुझे हम लोग सभी लोग माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के साथ मिलकर टोरेंट पावर मिनिस्टर और सीएम साहब के साथ मिलकर टोरेंट की जो कंपनी का टेंडर है उसको रद्द करें। देखिए रफीक भाई, हाल ही में वो मौत के मुंह से रिटर्न आए जी, हमारे खुद का उनके परिवार के साथ पूरे महाराष्ट्र और हमारा, हम भी उनके परिवार है, हमारी खुद उनको एक राय है कि सर थोड़ी देर थोड़े दिन के लिए आप भीड़ भाड़ इलाकों में ना आए, थोड़ी एहतियाती करें, क्योंकि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर है। कोविड और स्वास्थ्य के कारण के चलते, कोविड और स्वास्थ्य के कारण हमारी ये उम्मीद है और हम ये चाहते हैं कि वो थोड़े दिन के लिए भीड़ भाड़ इलाके में ना आए, लोगों की उम्मीद खरी उतरेगी, ये आपको यकीन दिलाते कोविड से महामारी के बाद। बस आपके जरिए जो आवाम यहाँ पे तूफानी बारिश में भी आई है, जो डिपार्टमेंट आए, जो पुलिसकर्मी आए, जो भी लोग ने यहाँ पे आके इतनी तूफान में हमारा साथ दिया और अपने सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से यहाँ पे आके अपना इतनी तूफानी मामले में यहाँ पे डटे रहे, उनके लिए शुक्रिया के अलावा और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी तूफानी बारिश में भी हमारा साथ दिया। ज्यादा एक कंप्लेंट के लिए आए हैं कि बिल बहुत ज्यादा है। अच्छा। उनके हिसाब से उन लोग ने ऐड करे 17 महीने का और मेरा एक साल पहले का बिल क्लियर्ड है। अच्छा। भरा हुआ है और उन्होंने स्टिल मेरे को बोला है कि तुम्हारा 60,000। अच्छा। तो मैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रही हूँ तो वो मेरे मीटर का बता रहे कि बहुत हाई तुम्हारी, इतनी तुम 400 यूज कर रहे, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं 5 बजे घर पे आती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं जिसमें एक बच्ची डीवाई पाटिल में जाती है एज एन शी इज डूइंग मेडिसिन और एक बच्चा है जो दिन भर सोता रहता है, रात भर डॉक्टर दिन भर सोता रहता है विथ मोबाइल, हाँ ऐसा नहीं कि कुछ टीवी वगैरह है। अच्छा। और इनस्पाइट ऑफ दिस ऑल्सो मेरी इतनी आई है सर प्लीज हेल्प मी, यानी इलेक्ट्रिक कंजप्शन उतना है नहीं, नहीं नहीं, नहीं। अच्छा अभी आप कितने दिन से लगातार यहाँ पर आ रही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने? तो ही ये बिल, मैं एक अच्छी सिटीजन बन के खुद ऑनलाइन जाती हूँ और अपने बिल निकालती हूँ और पे करती हूँ। अच्छा। ऑनलाइन जाके, और ये जो घर में मैं रह रही हूँ मेरे भाई का है जो कतर में रहते हैं, उन लोग साल में आते 10 दिन रहते हैं, मेरे को एक रूम दिया गया है कि बहन तू ये रूम में रह क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, आई कान अफोर्ड, मैं दूसरा घर भी नहीं ले सकती हूँ और मेरी इतनी सैलरी भी नहीं है और मैं, लेकिन इतना कि मुझे मेरी बच्ची को मेडिसिन में, तो मैं अपनी कमाई से अपने बच्चों को पाल रही हूँ विद लोन, तो ही दे आर सेइंग कि आपको लोन की गुंजाइश देंगे, आप पार्ट पेमेंट ईएमआई पे कर सकते, तो आई कान अफोर्ड क्योंकि मैं मेरी बच्ची का, यानी कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं आपको? अभी आंदोलन के दौरान भी राष्ट्रवादी के नगर सेवकों और नेताओं के जरिए भी आपने अपनी बात रखी, क्या लग रहा है उस बारे में आपको? मुझे तो सर ऐसा लग रहा है कि इवन दे विल बी गिविंग मी दी एक्सप्लेनेशन जो मेरे हिसाब से
क्लियर नहीं होगा। जी ठीक सर, मुझे यही लग रहा है। तो मेरी ये आपकी रिहाइश कहाँ है, आपका मकान कहाँ पर है जहाँ पर ये बिल आता है? भोलेनाथ नगर, यहाँ पे भारत गेट के पास भोलेनाथ नगर है, वहाँ पे हमारा प्लॉट है। ये नहीं कि हम बहुत अमीर है, वो हमारे माँ बाप का बना हुआ है, हमारे भाई का है। अच्छा। जो कतर में रहता है। अच्छा। उसकी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं, नहीं है। मैं एक शादीशुदा हूँ लेकिन सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे हस्बैंड की भी इतनी सैलरी नहीं है। अच्छा। मेरे भाई ने मुझे रहने दिया। अच्छा ये बताइए, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होकर के नहीं मिलती है तो क्या आप कदम उठाएगी कानूनी रूप से? मैं कंप्लेंट करूंगी। अच्छा, कंप्लेंट करूंगी सर, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकती है? ऑब्वियसली मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं एक अच्छी सिटीजन बन के जब पे कर सकती हूँ, मेरी वो 5,000 सैलरी में से मैं ये 1,500 जो मैं उसमें रखी, मैंने भरी। इंस्पेक्ट ऑफ दैट ऑल्सो आई हैव टू पे 16,000, तो सर मैं कंज्यूमर से भी बड़ा जहाँ जाना रहेगा मैं जाऊँगी।